हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम आतीश और आप देख रहे हो टेक्निका। तो एप्पल का वर्टिकल अलाइनमेंट का कैमरा हो या फिर हो 3.5 mm जैक को हटा देना या फिर हो फ्रंट में नॉच या इवन ग्लास बॉडी डिजाइन, तो सबसे पहले ये आपको एप्पल के डिवाइस में देखने को मिलते हैं। पर बाद में जितना इसे एप्पल नहीं मतलब ढिंडोरा पीटता है कि मेरे पास ये है मेरे पास ये है, उसे ढिंडोरा पीटता है ये आपको चाइनीज ब्रांड जैसे कि एग्जाम्पल के लिए शाओमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, 2000 years later etcetera etcetera। तो ऐसा क्या है एप्पल का इकोसिस्टम जो कि ये मैन्युफैक्चरर शायद समझ नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ ज्यादा समझ के पहले ही से प्लानिंग कर लिए हैं इससे रिलेटेड, ताकि एप्पल को बिल्कुल बुरी तरह से मात दे देना इस बार, और इस बार तो जीत ही जाना है रेस में। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो आपको जो नॉच देखने को मिलता है आपके स्मार्टफोन में, वो सबसे पहले एप्पल का आईफोन एक्स में देखने को मिला था। सबसे पहले एप्पल ने उसे लाया था, पर प्रोटोटाइप एप्पल ने नहीं रखा। अब ऐसा इसलिए कि आप बोल सकते हो कि फ्री में प्रमोशन हो जाए, और जिस समय ये जो नॉच आया था उसमें बहुत क्रिटिसाइज हुआ था कि ये नॉच बिल्कुल ख़राब है, इससे नोटिफिकेशंस हाइड हो जाती है, नोटिफिकेशंस कट जाती है, और जो स्क्रीन है लगता है कि आगे से ऊपर से कटा हुआ है और देखने में अच्छा लुक नहीं देता है। जो कि आपको बोल सकते हो कि 99% मैन्युफैक्चरर्स ने उसे यूज़ किया या 90% से ज़्यादा ही मैन्युफैक्चरर्स ने यूज़ किया। अब जिन्होंने नहीं यूज़ किया उसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हो सैमसंग। तो सैमसंग भी इन्वेंशन में बहुत हाथ पैर मारता है, और तो और ये आप बोल देते हो कि एप्पल से भी कुछ लेवल ऊपर ही है, क्योंकि इसके पास आइरिस स्कैनिंग है जो कि एप्पल के पास भी नहीं है। इसके पास फोल्डेबल स्मार्टफोन का टेक्नोलॉजी आ चुका है, भले ही अभी इसने लॉन्च नहीं किया है, पर जो कि एप्पल के पास नहीं है। तो बोल देते हो कि एंड्रॉयड में भी एक ऐसा किंग बैठा हुआ है जो कि एप्पल को भी इन्वेंशन के मामले में मात दे सकता है। अब आप रोड पे एप्पल आईफोन 4S को ही देख लो, अपने कान के पास लगा के चलो, भले ही कॉल रहे या नहीं रहे, बस आप ऐसे लगाए हुए चलो, या फिर मिरर सेल्फी ले लो, इवन 4S 5S कोई भी एप्पल का स्मार्टफोन से, तो आपको उसमें 10-15 लाइक्स तो फ्री में मिल जाएंगे। वो बस मिले हैं वो सेब को देखने के कारण, मतलब वो एप्पल को देखने के कारण आपको 10-15 लाइक मिल गए, वो भी कटे एप्पल को लेने के मतलब कि देखने के कारण। अब 80 रुपये किलो के आसपास आपको एप्पल मिल जाएगा। कि सभी मैन्युफैक्चरर धीरे धीरे उसके तरफ घसकते चले जा रहे हैं, मतलब कि ज़्यादातर उसके डिजाइन को कॉपी करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आप शाओमी को ले लो, बहुत बेस्ट एग्जांपल आपके लिए हो सकता है। शाओमी का फ़ोन आपके घर में भी चांस है कि 90% की होगा ही होगा। आप पीछे में शाओमी कोई फ़ोन ले लो तो आपको वो वर्टिकल अलाइनमेंट में ही कैमरा देंगे, क्यों? क्योंकि एप्पल ने दिया। अब ऐसा करने से क्या होता है कि एप्पल के नाम पे इसके कुछ फ़ोन बिक जाते हैं और इससे एप्पल का फ्री प्रमोशन हो जाता है, इसीलिए एप्पल इसे अपने नाम पे रजिस्टर नहीं कर सकता है, तो आपका जो एंड्रॉयड उसे पैसे देने पड़ते हैं। पर एप्पल ऐसे के लिए मतलब कोई भी पैसे नहीं लेता है। अब पैसे नहीं लेता है तो आप बोल देते हो कि ये लिटरली बहुत चीप पब्लिसिटी करवाता है अपने डिवाइसेस की, मतलब कि बहुत सस्ते में बहुत बड़ी पब्लिसिटी करवा लेता है। अब इंडिया में अगर देखा जाए तो हर एक घर में रेडमी। अब मेरे ही घर में 2-4 रेडमी है, मैंने रेडमी 4, रेडमी नोट 5 ये सभी मतलब कि लगभग डिवाइसेस चला लिए, इसके मेन मेन जो डिवाइसेस है। तो इससे क्या होता है कि अब वर्टिकल अलाइनमेंट वाले कैमरा से कि चलो एप्पल में भी इस टाइप का है, तो यानी कि एप्पल का कॉपी है, तो एप्पल की तरफ हम शायद जा सकते हैं, शायद उसके इकोसिस्टम में घुस सकते हैं। और उसके इकोसिस्टम इतना आप बोल देते हो कि वेब है कि अगर आप एक बार जाओगे तो आप उससे निकलना नहीं चाहोगे। जो एप्पल के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं उसके हार्डवेयर पे बेस्ट चलने के लिए। अब आप फाइनल कट प्रो आप मतलब कि एप्पल के कोई भी घटिया सभी लैपटॉप पे चला लो, मतलब कि जो 13 इंच का जो 2016 या 17 एडिशन था जो कि बिल्कुल बर्बाद लैपटॉप आप बोल सकते हो एप्पल की तरफ से ऐसा, उसमें भी आप फाइनल कट प्रो चलाओ, 4K एडिटिंग भी करोगे तो 1% लैग नहीं आएगा। पर अगर आप उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही चला लो तो लैग के कारण आपका जो मतलब कि लैपटॉप होगा वो गर्म होकर फट भी सकता है। तो आप समझ सकते हो कि ये अपने जो भी इसका सॉफ्टवेयर वो बिल्कुल पैरेलल चलता है, मतलब कि वो अपने एप्लीकेशन से बिल्कुल बोलते तो पैरेललिटी बना के चलता है, जिससे कि एप्लीकेशन बहुत स्मूथ चलते हैं, और इससे इसको मिलता है बहुत बड़ा हाइप। अब आपके कोई भी एक बहुत इंटेलिजेंट फ्रेंड होगा ही जिसे कि आप अपने कैमराज के बारे में पूछोगे तो बोलेगा भाई इसके पास एप्पल का जो कैमरा है उससे फोटोज़ खींच बहुत अच्छी आएंगी, सेल्फीज़ खींच बहुत अच्छी आएंगी। पर मैं आपको सही बता दूं कि एप्पल आईफोन 8 तक की जो कैमरा है वो बहुत सारे मतलब कि नॉर्मल मिड रेंज फ़ोन से भी हार जाता है। तो आप समझ सकते हो कि
एप्पल ने बहुत ज़्यादा तीर नहीं मारा है, पर इसका जो हाइप है, इसका जो क्रेज़ है लोगों में इतना ज़्यादा है कि अगर उनके पास किडनी बेचने का भी नौबत आई और उन्हें एप्पल का आईफोन एक्स 2 दे दिया जाए तो वो किडनी बेचना ज़्यादा पसंद करेंगे एप्पल लेके, ना कि डोनेट करना पसंद करेंगे। तो बिल्कुल बात यही है कि इसका जो हाइप है ये हम ही लोगों ने बनाया है, जिससे कि इसका इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया है। अब इकोसिस्टम इससे ज़्यादा इतना स्ट्रांग हो गया है कि अब कोई भी बंदा एप्पल में जाएगा तो वो दूसरा बाद में कोई फ़ोन लेगा ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि एप्पल का इकोसिस्टम अच्छा है, आपको बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा चलाने में, पर बहुत ज़्यादा आपको छेड़खानी कर आप नहीं कर सकते हो। पर दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि एप्पल को नहीं छोड़ के आने का कि भाई मेरे दोस्त ने देख लिया था कि मैं उस दिन एप्पल का आईफोन 8 चला रहा था, अब अगर नॉर्मल से Xiaomi के या फिर नॉर्मल से कोई और फ़ोन में चल जाऊँ या इवन सैमसंग के कोई महंगे फ़ोन में चल जाऊँ तो मजाक उड़ जाएगा। तो बिल्कुल आप बोलते हो कि ये बिल्कुल हाइप का ही बात है और बिल्कुल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ही बात है कि भाई इससे मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिखती है, मेरे पास एप्पल का आईफोन है। तो बस यही था आज का वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना नीचे कि एप्पल का अगला जो फ़ोन आने वाला है एप्पल आईफोन एक्स, मतलब कि एप्पल आईफोन 11 होगा या फिर होगा 12, नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। और तो और क्या लगता है, इस बार नॉच ऊपर होगा या नॉच नीचे होगा, इस बार वीडियो में जरूर कमेंट करके बताना। और तो और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ गए और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की फन इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। हफ्ते 2 वीडियोज़ आती हैं, एक हफ्ते के बीच में और एक हफ्ते के एंड में। तो मिलता हूँ मैं आपसे अपने अगली वाली वीडियो में अगले हफ्ते। गुड बाय।